रात के 4 बज गए। अब होटल में ना तो कोई आएगा और ना कोई जाएगा। अब मुझे होटल बंद करवा देना चाहिए। ये नजर की बीमारी भी बड़ी अजीब है। जब तक चश्मा ना लगाऊं मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता है। खान, ए खान। जी साहब जी। ये होटल का गेट बंद कर दो। ठीक है साहब जी। और सच में सो जाओ। ठीक है साहब। ला 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 हे हे ला ला ला। ये चश्मा किधर गया? कौन है, कौन है वहाँ? क्या हुआ, ये क्या हुआ वहाँ? पता नहीं ये क्या था। ये लाश यहाँ कहाँ से आ गई? काम समझने से ताल्लुक रखता है भाईजान। ये लाश आसमान से तो आई नहीं होगी, इसे यहीं कहीं से फेंका गया। जी सर जी। ये जा 202 में जा, जा, जा। जी सर, फरमाइए सर। चश्मा बहुत चमक रहा है तेरा। वो दरअसल साहब ये आज ही नया बनवाया था। ए चश्मिश, तेरे होटल के पिछवाड़े एक लाश पड़ी है। लाश साहब? हमारा लाश से क्या लेना देना साहब? मामू समझता है हमें? नहीं, नहीं साहब। चल आगे लग। कहाँ साहब? चल चल क्या। क्या पता ये किसकी लाश है, हमारा इससे क्या लेना देना। मौला राज, मुझे समझ नहीं आ रही ये हमसे झूठ क्यों बोल रहा है। आगे लग चल। अनक, तेरे नाक पे बैठ के यहां आई हूं और इसके टूटने की सूरत में तुम्हें नए की जरूरत पड़ी होगी। अब सच सच बता, क्यों मारा है तुमने उस आदमी को? बोलो। साहब मैंने नहीं मारा, मैं सब कुछ सही सही बताता हूँ साहब। अब आया लाइन पर। क्या है कि मैं रात को छत पर शराब पीने आया था साहब। आखिरी सीढ़ी पर मेरी शराब की बोतल और चश्मा दोनों टूट गए और फिर मैंने दो साए देखे साहब, एक ने दूसरे को छत से नीचे फेंक दिया। मैं चश्मा ना लगाऊं तो मेरे को दिखाई नहीं देता है साहब। आप मेरी मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं। तुम्हारी बात में दम है। बोलो दाद, काम लंबा है, मेरा ख्याल है मुलाजमों को लाश के साथ थाने भेज देना चाहिए। देखो मैनेजर। जी साहब। कातिल तुम्हारे इसी होटल में, बुलाओ उन सबको जो तुम्हारे इस होटल में ठहरे हुए हैं। ये गौरव पूरा हो गया ना, या कोई और भी बचा है? मैं भी तो होना चाहूँ।
ए, कौन हो तुम? थोड़े से पैसे खर्च, एक रात के लिए तेरी हो जाऊंगी। हाँ अच्छा, तो तुम हो वो एक रात की तितली। खाती थी खिचड़ी, पीती थी पानी। इधर खड़ी हो जा। हमारी क्या मजाल सरकार, जो हम आपकी ना माने। उधर खड़ी रह लाइन में। मैनेजर, ये सब पूरे हैं या अभी गिनती बाकी है? साहब, एक नया शादीशुदा जोड़ा और है जो आज सुबह ही घूमने के लिए बाहर चला गया था। शादीशुदा जोड़ा। ये बैग मुझे दो डार्लिंग, मैं डिग्गी में रख देता हूं। डार्लिंग, ये रेनकोट यहां कैसे? ये शायद किसी नौकर ने रख दिया होगा। छोड़ो इसे, आओ चले, मैं थकी हूं। अब हुआ कोरम पूरा। चलो भाई, लाइन में लग जाओ तुम लोग भी। कल रात इस होटल में कत्ल हुआ है। वो नहीं मरा, मैं मर गई हूँ। हम इस कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं।
और जब तक इस कत्ल की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, तुम लोगों में से कोई भी इस होटल से बाहर नहीं जाएगा। अब जाओ अपने अपने कमरों में। चलो जाओ। मैं नहीं जाना खेड़ियां देना, ले मैं नहीं हो जाना खेड़ियां देना। तू क्यों नहीं जाना? तेरा प्यो भी जाएगा, क्योंकि सादा पैसा तो वक्त खराब होया। मैं नहीं हो जाना खेड़ियां। तुम्हारी वजह से हम लोग भी इस कत्ल वाली मुसीबत में फंसे हैं। बड़ा शौक था तुम्हें अपनी मशूका के साथ इस होटल में आने का। आश की मशूकी का तो इसे शौक था, मुझे तो अपनी गर्दन फांसी के फंदे में झूलती हुई नजर आ रही है। मुझे तो अभी सही जेल की काल कोठरी, मोटे मोटे मच्छर और पुलिस के डंडे और बहुत सी गालियां और बासी दाल और लंबी हाईनेक जैसी गर्दन के ख्वाब आना शुरू हो गए। ये मनुष्य तो घर से चलते वक्त ही कह रहा था, वहां पर रोकने और टोकने वाला कोई नहीं होगा, मजे से अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लिपटेंगे चिपटेंगे। अब भुगतो। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर अब यहाँ खास मजा आएगा। कत्ल का सुन के मुझे तो लड़कियों को छोड़ो खुसरो तक से नफरत होगी, खुसरो तक से। अरे यार, ये लड़कियाँ इंस्पेक्टर को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। सर, हमने आपको सारी बात सच बता दी। तो वो चार गधे जो मैंने रिसेप्शन पर देखे थे, वो तुम लोगों के आशिक हैं? सर, वो जो छोटा वाला है वो मेरा गधा है। जी सर, हम लोग घर वालों से चोरी छुप छुपा के हल्ला गुल्ला करने आए थे, प्लीज हमें जाने दे सर। जाना कहाँ है, अब तो यहीं रहना है। क्योंकि जो लोग अपने पैदा करने वालों से झूठ बोल सकते हैं, मैं उनकी बात का कैसे यकीन कर लूं? सर, जो होना था वो हो गया, पुरानी बातों को भूल जाएं और नए सिरे से हमारा यकीन करें। सर, हम लोग कातिल नहीं हैं, हम सीधे सीधे मोहब्बत के चक्कर में यहाँ पर आए थे और मौत के चक्कर ने हम लोगों को घेर लिया। वो भी क्या अच्छा दिन था जब हम लोग यहाँ पर आए। क्या कहानी है इस होटल में आने के बारे में? सर, हम दोनों सेलमैन का काम करते हैं, इसी सिलसिले में होटल में आए थे। सर, हम तो मजदूर लोग हैं, मुख्तलिफ घरों में जाके सामान भेजते हैं, हम कत्ल क्यों करेंगे?
वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। तुम लोगों की कहानी भी खूब है। कम इन। वो पड़े हैं बर्तन, उठा लो। मुझे तो इन हालात में इस होटल से खौफ आने लगा है। अब तो उस इंस्पेक्टर के मर्जी के बगैर हम कहीं आ जा भी नहीं सकते। जानू, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग मुजरिम थोड़ी हैं, सब ठीक हो जाएगा। बी इजी यार। आप ठीक कहते हैं, शायद मैं कुछ घबरा गई थी। देखो, मुझे तुम्हारी इस बेहुदा किस्म की रिश्वत से कोई मतलब नहीं। मुझे एक बात का जवाब चाहिए। तो बात पूछ न जानू। दूर, तुम ये बात दूर से भी कर सकते हो। बाय द वे, ये बताओ तुम इस होटल में क्या लेने आई? जो तू सोच रहा है ना जानू, बिल्कुल ठीक सोच रहा है। मैं यहाँ पे अपने कहा के साथ आई थी और वो कत्ल की रात चला गया और मुझे यहाँ रुकना पड़ा और फिर कत्ल हो गया और फिर तू आ गया। मुझे अभी तनख्वाह नहीं मिली, मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। तुमसे तो बात करना मुश्किल हो जाता है। यू आर गॉन मैड। तेरे साथ बड़ा मजा आता है जानू। पिंडे उसे पिंडी है, रात की सोए से
तुम लोगों में से सच्ची बात बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं। मेरी एक बात ध्यान से सुनो तुम लोग। हम लोगों को एक ठोस सबूत मिला जो कातिल कत्ल वाली रात छत पर छोड़ आया था। तुम सब लोगों के पास आज की रात, कल हम उस कातिल को उस ठोस सबूत की बुनियाद पर पकड़ लेंगे। तुम भी आ गए छत पर, इसे ढूंढने आई हो ना? ये तुम लोगों की वो चीजें हैं जो कत्ल वाली रात तुम छत पर छोड़ आए। कल रात इन चीजों को ढूंढने के लिए तुम लोग छत पर गए। उठा लो अपनी अपनी चीजें। ये तुम्हारा है ना? हाँ जी, ये तो सारे का साथी है जी। मैं तो सिर्फ ये को धुनी से मसाज कराउन दिया था जी। चीज अच्छी है लेकिन इस्तेमाल गलत कर रहे हो। ए, ये तुम्हारी जरूरत की चीज है ना? आप तो साहब जी पर्दे फाड़ने पर उतर आए हैं, देख ही रहे कितनी तकलीफ हो रही है। शुक्रिया। ये तेरी है ना? जी सर, मेरी है। तू ये लेकर रात को छत पे क्या लेना चाहता है? जी मुझे रात को छत पे वर्जिश करने का शौक है। अच्छा अच्छा, अब ध्यान से वर्जिश करना क्योंकि मैं तुम्हारी वर्जिश के पीछे हूँ। जी सर। इन सब सबूतों के मिल जाने के बाद ये बात तय है कि कत्ल वाली रात तुम सब लोग छत पर गए। तुम सब लोग शामले तफ्तीश हो और इस होटल से भाग नहीं सकते। जो भागेगा वही कातिल होगा। और हाँ, अब ये रेड लाइट होटल होटल नहीं, जेल है तुम सब लोगों के लिए। ओहो, अब तो ये होटल वाले भी हद कर रहे हैं।
बाहर हमें जाने नहीं दे रहे और खाने को बासी खाना दे रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, अब तो जैसे इंस्पेक्टर कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा। वो इंस्पेक्टर हर चीज पे पहरा तो बिठा सकता है मगर प्यार करने में पाबंदी नहीं लगा सकता। आप मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। आप जानती हैं कि मैं उस रात छत पर आपसे मिलने के लिए गया था और वहीं मेरा ब्रेसलेट गिर गया था। अब पुलिस सबको कत्ल समझ रही है, अब क्या होगा? खुद को नॉर्मल रखो बेवकूफ, तुम्हारी परेशानी तुम्हें मशकूक कर देगी। ये इस औरत से क्या बातें कर रहा है, मुझे क्या पता हो। चुप करो यार, तुम दोनों देखने तो दो। तुम अकेले नहीं, पुलिस को यहाँ सब पर शक है। बकवास बंद करो और सच सच बताओ कि तुम उस औरत से क्या बातें कर रहे थे। सच तो फिर ये है कि मैं उस रात छत पर तानिया से मिलने गया था। क्या मतलब, तुम भी उस रात तानिया मैडम से मिलने छत पे गए थे? है तुम भी? ये तुम भी से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? यानी तुम भी उस रात मैडम तानिया की बहती गंगा में हाथ धोने गए थे? हाँ यार, यही सच है। उफ, मैं भी तो उस रात मैडम तानिया से मिलने छत पर गया था। सेम टू यू। इसका मतलब ये हुआ कि हम चारों गधे एक दूसरे से छुप छुपा के उस रात एक ही घाट का पानी पीने छत पे गए और अपनी कोई ना कोई चीज वहां भूल आए। मारे गए यार। चलो तुम तीनों मुझे सच सच बताओ कि उस रात तुम मैडम तानिया से कितना कितना मिले थे। अबे कुछ नहीं सालो, हाथ पकड़ने के चक्कर में साला बाजू बेलने में चला गया है। यार मुझे भी सिर्फ बातों में पूरा गया है। सब कुछ सामने होते रहे भी उस तानिया की बच्ची ने एक निवाला भी मुझे खाने नहीं दिया। मेरा ध्यान भी तो उसकी लातों में ही था मगर वो साली बातों में पूरा कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें डरा रही थी, आखिर वो चाहती क्या थी? अरे यार तानिया मैडम को छोड़ो, अपने असल माल के बारे में सोचो, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को क्या जवाब देंगे? हाँ यार, उनका अब हम क्या करेंगे? तुम्हारी नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अपनी करतूतों पर। उस औरत ने तुम लोगों को लिफ्ट करवाई और तुम लोग राल टपकाते हुए उस औरत के तलवे चाटने छत पर चले गए। शेम ऑन यू। ओहो, कहां ना गलती हो गई। ये चीजें उस औरत से मिलने के चक्कर में हम लोगों से छत पे गिर गई थी। हम लोग कातिल नहीं है, नहीं हम लोग कातिल। चुप करो बेहूदा आदमी, तुम लोगों को तो उस औरत से मिलने के चक्कर में फांसी पे टांग देना चाहिए। हो? कैसी मनहूस बातें कर रही हो तुम। ठीक कह रही है वो, तुम लोगों को तो सच में जिंदा शेर के सामने दिलवा देना चाहिए, समझे तुम लोग? ओ लेडी मुगले आजम, अपने गुस्से को काबू में रखो। उस औरत से हमारी सिर्फ गुफ्तगू हुई थी और कुछ नहीं। हम तुम लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, हम मानते ही नहीं तुम लोगों को चांस मिले और तुम मौका मिस कर दो, इम्पॉसिबल। ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, तुम कहाँ की सती सावित्री लड़कियाँ हो, तुम्हारी चीजें भी तो छत पर से मिली है। ये बताओ तुम छत पर क्या करने गई थी? हम लोगों को शक था कि तुम लोग उस औरत से मिलने छत पर जरूर जाओगे, इसलिए हम तुम्हारी निगरानी करने छत पर गई थी। निगरानी का शौक पूरा कर लिया तुम लोगों ने, अब फांसी का फंदा रुक दो। उस इंस्पेक्टर की दरिंदों वाली आंखें बताती हैं कि वो हम पे रहम नहीं करने वाला। हाँ चल, अब मैं तुमसे खुली जगह पे बात करूंगा, अंदर तो तुम हद कर देती हो। घबराता क्यों है जानू, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो व्याग्रा है मेरे पास। है? इस लड़की ने मुझे समझ क्या रखा है? छोड़, दूर से बात कर मुझसे,
पकपक बंद कर, बता छत पे क्या लेने गई थी। जी घबरा रहा था मेरा, जैसे अब घबरा रहा है। ओहो। मुझे चल। इसका मतलब है तुम मुझे सही बात नहीं बताओगी। देखो झूठ बोलने से नुकसान तुम्हारा ही होगा। जानू मैं तो खुद तुम्हारे हाथों अपना नुकसान चाहती हूँ, करना मेरा नुकसान करना। मैं इस लड़की की तफ्तीश करने आता हूँ, ये मेरी तलाशी लेना शुरू कर देती है। छोड़, दिमाग खराब हो गया तेरा। ओ, ओ। कानून के दामन पर लगा दाग, कानून के महाफिज शहीद होकर अपने खून से धुआं डालते हैं, लेकिन तुम्हारे दामन पे लगा दाग मैं तुझे मार कर भी नहीं धो सकता। चल जा, माफ करता हूं तुझे। तेरे सदके जावा, तू ते गुस्से च भी चंगा लगने। क्या मतलब ये हुआ, तुम्हारी शादी को 7 दिन हो चुके हैं, गांव में तुम्हारे शरीके ने तुम्हें ये काम, और मेरा मतलब है सुहागरात नहीं मनाने दी और तुम गांव छोड़कर इस होटल में हनीमून मनाने आ गए। और जनाब मैं गल करना वा सिद्धी, ये होटल दे विच मेरी सुहागरात दे खिलाफ साजिश है, जो करवा रहे हैं अमरीका करवा रहा है, ये शरीका नाल रल गया है। ए बीबी,
तुम क्या कहती हो? मैं क्या आखना जनाब, जो आखना इन्ना नहीं आखना। अमरीका कुछ कहन दबेगा देख कहूंगा ना। छत पर तुमने क्या देखा था? ये जो करवा रहा है अमरीका करवा रहा है। और जनाब मेरी गल का यकीन करो, ये मेरे शरीकां दी ते अमरीका दी साजिश है। कमाल है, सबकी अपनी अपनी कहानी। चलो एक और कहानी सुनने को मिली। और जनाब ये जो करवा रहे हैं अमरीका करवा रहे हैं। सेक्रेटरी साहब, आप ये किस किस्म की घटिया तफ्तीश करने वाले हम लोगों से? तो बराती क्यों है बुलबुल, सच सच बोलो ना, तुम छत पे क्या लेने गया था? हम छत पे नहीं गए, हम देखो सांप बच गया। बोलो ना, बोलो बुलबुल। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज इस शख्स को मुझसे दूर रखें, मुझे इसकी आंखों में बेगैरती साफ दिखाई दे रही है। तुम लड़कियां छत पर क्या लेने गई थी? हमने आपको सच बता दिया, हम जी बहलाने के लिए गए थे छत पर। ये लोग बिल्कुल सच नहीं बता रहे, ये सब के सब जरूर फंसेंगे। हम लोग आपको सब कुछ सच बता रहे हैं, आप लोग यकीन ना करें तो हम क्या करें? तुम लोग झूठ बोलकर बच नहीं सकोगे। जैसे पानी में खुद को तैराक कहकर इंसान बच नहीं सकता, तैरना पड़ता है, ऐसे ही तुम लोगों को सच बोलना पड़ेगा। समझे? समझे? सुनो बुलबुल, अगर तुमको हमारा मदद का जरूरत हो ना तो हम तुम्हारा मदद करेगा, ठीक है? बता देना। माफ कर दे ठरकी, लगता ये पठान तुम्हारा प्रश्न करके छोड़ेगा। लाना तो कमीने। सोचता हूं अगर तुम मुझे ना मिलती तो मेरे जिंदा रहने का मकसद ही फौत हो जाता। एक बात कहूं, मैं सचमुच तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं जानती हूं प्यार के इजहार के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती, आंखें सब कहती हैं। तुम्हारी आंखों में मेरे प्यार का इजहार साफ नजर आ रहा है। मुझे अपनी सारी दौलत सारा पैसा तुम्हारी मोहब्बत के आगे बेकीमत लगता है। क्या हो रहा है? वर्दश वर्दश वर्दश। मैंने तुझसे कहा था ना ध्यान से वर्दश करना, और वैसे भी बंद मुट्ठी से की हुई वर्दश सेहत के लिए बड़ी खतरनाक होती है। समझ गया? पता नहीं कितने दिन इस कत्ल वाली मुसीबत को झेलना होगा, समझ में नहीं आ रही क्या करें। अब तो घर वालों से झूठ बोल बोल के तंग आ गई हूँ, घर से फोन पे फोन आ रहे हैं। मुझे तो ड्रोने ड्रोने ख्वाब आते हैं, रात को नींद तक नहीं आती। मामला सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। अरे यार, हम लोग इस तरह से टेंशन लेंगे तो वक्त से पहले मर जाएंगे। बी इजी, हंसो खेलो,
जो होगा देखा जाएगा यार। बाहर बड़ी बारिश है, पक्षियों की सिफारिश है। सुन 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 बाहर बड़ी बारिश है, पक्षियों की सिफारिश है। मुझे बाहों में ले लो सजना सजना, मुझे बाहों में ले लो सजना, इस दिल की गुजारिश है। हवा में मत उछालिए, हमें तकलीफ होती है। तेनूं कदों तकलीफ होंदी है? ओए तूं ते बड़ा एंजॉय करन वाला जी है। ओए लख दी लाने तुम लोगों की एंजॉयमेंट पर। मुझे ये बताओ तुम लोग छत पर लेने क्या गए थे? देखिए थानेदार साहब, सारी बातें इस तरह तो ना पूछे ना। ये जो हमारे चौधरी है ना, इनके जब जज्बात भड़कते हैं तो फिर उसके इजहार के लिए इन्हें बहुत सारी जगह दरकार होती है। और बस इनके जज्बात भड़के और इसी सिलसिले में हमें छत पे जाना पड़ा। बस उसके बाद फिर चीन पटाक तक फूम पड़ गया। चीन पटाखी छत पे मेरे यो जहा जज्बात भड़के ने कि मेरे गोटे गिटे छिले गए ने। तौबा तौबा करा दी थी, क्यों नहीं मीतनी तवा तवा हो ही है ना। बस कर दे तौबा तौबा कराई थी तू डाल। तौबा तो तुम सबको अपने करतूतों से करनी चाहिए, तुम सब लोगों को तो संसार कर देना चाहिए। सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी का जी घबरा रहा था तो कोई जी बहलाना चाहता, लेकिन सबके सब झूठ बोल रहे हैं। अब तो सिर्फ एक ही जोड़ा बचा है। आ रहा हूं एक। इंस्पेक्टर आप और इस वक्त hmm.
सिगरेट नोशी बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकती है। इसके बावजूद तुम लोग उस रात ये पैकेट छत पर छोड़ा है। मैं पूछ सकता हूं कि तुम लोग छत पर क्या लेने गए थे? मैं अपनी बीवी के साथ इस होटल में हनीमून मनाने के लिए आया हूं, और जहां तक मेरा ख्याल है छत पर जाने के लिए वीजा नहीं लगवाना पड़ता। बस दिल किया और चला गया अपनी बीवी को लेकर छत पर। गुड बॉय। आपको क्या लगता है कत्ल हमने किया है? कत्ल तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन अफसोस तुम लोग मुझे सच नहीं बता रहे। नो प्रॉब्लम, कल सुबह हमारा मौका का गवाह कातिल की शिनाख्त करेगा। एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज कैरी ऑन। डर गया मुझ पे ये डर गया इन नशा शराब का। ते मैनू कहंदा जफियां भी पा। ये शराब भी बिल्कुल मेरी बीवी की तरह है, ये छोड़ना भी चाहू तो नहीं छोड़ी जाती। मजा आ गया। क्या मैनेजर भाग गया? ये ठीक कहता है, वो आदमी अपने कमरे में नहीं है। जानू, जो भाग गया है वही कातिल है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो 9-2-11 हो गया। वो भाग गया है, वो सिर्फ शक की जद में आता है, कातिल साबित नहीं होता। आपने खुद ही कहा था जो भागेगा वही कातिल माना जाएगा। खामोश, बंद करो ये दाल को मछली बेचना। तुम लोग अगर इसी तरह शोर मचाओगे तो मैं सब लोगों को बंद कर दूंगा। और हाँ सुनो, जब तक होटल का मैनेजर कातिल साबित नहीं हो जाता तुम सब लोग इसी होटल में बंद रहोगे। मैनेजर के अचानक गुम हो जाने से मामला और भी बिगड़ गया है। जाओ अपने अपने कमरों में, मुझे मौत के खेल में तेजी आती दिखाई दे रही है। जाओ अपने अपने कमरों में। साहब जी माफी नहीं मिल सकती। अगे लग गए गंदे खान दान दिया ते मैं दासरी अंदर जाके। ओए बुलबुल का बच्चा, हमने तुम्हारा गम में नसवार का कोटा डबल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। ओ हमारा बुलबुल कैसा है? खान साहब, आपने मेरी मदद करने का वादा किया था, आज मुझे आपकी जरूरत पड़ गई है खान साहब। इस फांसी गार्ड जैसे होटल से भागने में मेरी मदद करें खान साहब, प्लीज मेरी मदद करें खान साहब। हम तुम्हारा मदद जरूर करेगा बुलबुल, हम तुमको यहाँ से भगाएगा। कैसे भगाएगा वो देखो। समझा?
समझा? हाँ। कौन है ये और कहाँ जा रही है? सर जी ये हमारे मेहमान है, आज सुबह ही आया था, अभी वापस जा रहा है, वापस। ओके जाओ ना। जाओ जाओ ना। खबीसाना नजरों से क्या देख रहे हो मेरी तरफ, और इस तरह से रास्ता रोकने का क्या मतलब है तुम्हारा? ओए मरा बुलबुल, हम तुम्हारा इज्जत जेट है और तुम हमारा साहिबा है, और ये खबीसाना नजर नहीं है, ये तो मोहब्बत भरी निगाहें हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो मेरा बुलबुल, हमने ये लिबास जिस दिन खरीदा था ना, हमने उसी दिन सोच लिया जो बुलबुल हमको पसंद आएगा, हम ये लिबास उसको पहनाएगा और फिर इस लिबास को अपने हाथों से उतारेगा। देखो खान, अपने गंदे इरादे दूर रखना मुझसे, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा होगा? अच्छा तो फिर आज बहुत बुरा होगा, ठीक था? अरे छोड़ दो, कुछ नहीं होते। क्या बात है भाई, तुम लोगों के चेहरे जरूरत से ज्यादा मुरझाए हुए। सर आज आशी की सालगिरह है, कल्ला गुला तो दूर की बात, हम लोग तो मुस्कुरा भी नहीं सकते। अच्छा क्यों भाई, क्या चाहते हो तुम लोग? सर कुछ रौनक मेला, कुछ नाच गाना, कुछ शोर चलाता, बस सर हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है। देखो भाई, कानून इतना भी बेहिस नहीं कि तुम लोगों की ख्वाहिश का एहतराम ना करे। पाबंदी हमने होटल से बाहर जाने पे लगाई है, होटल में हल्ला गुल्ला करने पे नहीं। Come on, let's party! Tak, tak, tak.
जनता। मुझसे दूर रह के बात नहीं कर सकती, दूर हटो, हटो। ये सब कुछ इसका मतलब है तुम्हारे पास खंजर भी है? पूछ सकता हूं किस लिए है ये? धंधा ही ऐसा है जानू, खंजर रखना पड़ता है क्योंकि बड़े बड़े हरामी मिलते हैं मुझे इस धंधे में। मैं तो तुम्हें ये धंधा बदलने का मशवरा भी नहीं दे सकता। तू कहे तो मैं ये धंधा छोड़ भी सकती हूँ, मगर तुझे मुझे अपनी घर वाली बनाना पड़ेगा। बनाएगा मुझे अपनी घर वाली? एक मर्द और एक घर, तुझ जैसी लड़की को रास नहीं आ सकते। ओए, मेरा जवाब भी सुन पैसा, ये दिल के सौदे हैं जानू, दिल लगा के दे, मुल डाल दूंगी। मैं तो एक मिनट भी इस मौत जैसे होटल में नहीं रुकूंगा। मैं यहाँ से हर सूरत में भाग जाऊंगा, हर सूरत में भाग जाऊंगा। खंजर है जिसे रात मुझ पे हमला हुआ था।
ऐसे मशकूक नजरों से मुझे क्यों देख रहे हो? जानू, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मेरा खंजर मेरे रूम से गायब हो गया है। मेरा मतलब है चोरी हो गया है। ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरे ख्याल में यही लड़की कातिल है। हमें इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी इस बात से इत्तफाक करूं तो मुझे यहां सब लोगों को गिरफ्तार करना होगा। अगर ये लड़की कातिल होती तो कभी भी उस खंजर से हमला ना करती जो पहले मैं इसके कमरे में देख चुका हूं। कातिल की निशानियां मिल रही हैं। कातिल भी बहुत जल्द मिल जाएगा। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि इस होटल में मौत नाच रही और भागने के चक्कर में कोई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अपने जहन पर जोर दो और जरा सोचकर बताओ कोई ऐसी बात जो तुम्हें याद रह गई। हाँ सर जी, उस हमलावर ने एक रेनकोट पहना हुआ था और उसका चेहरा उस रेनकोट के हुड में छुपा हुआ था। रेनकोट? अब इस मौत के खेल में वही बचेगा जो हमारी मानेगा। जाओ अपने अपने कमरों में। सोना लगे हुए संतरी पाशा। जाओ संत आ गए, कदी तथी आएगा। कोई गाली गुड बाय। चलो सरदार, दफा हो आएं, फिर मिलांगी। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैनेजर की लाश तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में पड़ी है? हाँ सर। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तू हमें उल्लू तो नहीं बना रहा? सर मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ और मैंने लाश डिगी नहीं देखी थी। मगर अब यहाँ कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में तुम्हें वहम हुआ है। घबराओ मत, ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लिए बेहतर हो रहा है। हमारी गाड़ी में लाश का क्या काम? इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है तुम्हें धोखा हुआ हो। मगर एक बात तो बताओ, तुम रात को गाड़ी में क्या लेने गए थे? याद आया, उस लड़के ने बताया था कि हमलावर ने रेनकोट पहन रखा था। हमारी गाड़ी की डिग्गी में भी एक रेनकोट पड़ा हुआ था। मैं वहां उसे देखने गया था मगर पहले वहां लाश थी, बाद में वहां कुछ भी नहीं था। ओहो, वो पुराना रेनकोट मैंने डिग्गी से निकालकर फेंक दिया था। दखल अंदाजी की माफी चाहता हूं। एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया, तुम इतनी रात को गाड़ी के पास क्या लेने गए थे? वो गाड़ी के डिग्गी में मेरा कंबल पड़ा था, ये वो लेने गए थे। ओह, इंटरेस्टिंग। और वैसे भी इस होटल के कंबल बहुत ही महंगे। Sorry for disturbing you. Please carry on.
यार ये जो शादीशुदा जोड़ा है ना, इसमें औरत बहुत खूबसूरत है। मौलादाद क्यों लाइन से भटक रहा है यार, वो शादीशुदा है। यार वो मुझे अच्छी लगती है, और अच्छा लगना कोई जुर्म तो नहीं। बहरहाल पुलिस वाला है ना, मार जो तो निकालेगा। चल आजा। तुम्हारे गहने ना दी मार होवे थक दिना दिन ते होवे थक दिना दिन थकने कनक दिन थकने कनक दिन थकने कनक दिन पप 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 इन्ना करिए प्यार जमाना साथों जावे हार होवे थक दिना दिन ते होवे थक दिना दिन थकने कनक दिन थकने कनक दिन थकने कनक दिन पप 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 आपको कल तक जो हमारी मोहब्बत का दावा करते थे, आज इतने बेबुरावत हो गए, हमें अपने कमरे तक से निकाल दिया है। मुझे तो लाश का सुनकर इस होटल से खौफ आने लग गया है। अब ये सासू है बड़ों का कहना ना मानकर इंसान किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता है। ओ गॉड, मेरा तो दिल घबरा रहा है। आशी प्लीज विंडो तो खोल दो। सिकंदर खान, लाश का मिलना कोई इत्तफाक नहीं है, कातिल इनमें से कोई एक है। इन सब को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। गिरफ्तार।
मौलादा तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम नतीजा बहुत जल्द निकालते हो। अगर ये लोग कातिल होते तो कत्ल करने के बाद लाश को अपने कमरे में ना छुपाते। और दूसरी बात, लाश पहले गाड़ी की डिग्गी में देखी जा चुकी। कातिल बड़ी चालाकी के साथ हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिकंदर खान से जीतना नामुमकिन है। हेलो, यहां रेड लाइट होटल में एक और कत्ल हो गया है। पूरे अमले के साथ एम्बुलेंस भेजो। मिस्टर अरसलान, तुमने कहा कि अलमारी में रेनकोट है, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर बिलीव मी, मैंने ये रेनकोट यहीं पे देखा था और फिर मैं आपको बुलाने के लिए गया और रेनकोट यहाँ से गायब हो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मिस्टर अरसलान, एक बात तो बताओ, ये चीजें सबसे पहले तुम्हें ही क्यों नजर आती है? सर मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे लगता है कातिल तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। अब देखते हैं कि रेनकोट कहां से मिलता है। हेलो, क्या यही रेनकोट हमलावर ने पहन रखा था? बिल्कुल ऐसे ही रेनकोट उस हमलावर ने पहना हुआ था। मिस्टर अरसलान, आपने भी अलमारी में यही रेनकोट देखा था? जी सर, बिल्कुल यही रेनकोट था सर जो मैंने देखा था। तुम लोगों को ये कहां से मिला? इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह जब वॉशरूम नहाने के लिए गई, मैंने कपड़े उतारे, सामने देखा तिल्ली पे ये मनोज रेनकोट लटका हुआ था। मेरा यकीन करें, मेरा तिल नाना तोड़ों में रह गया। चौधरी अन्नेवास साहब, आप भी बहु बेटी वाले हो, जब बीच में रह जाए तो पता कितनी तकलीफ होती है। सबर कर पिंकी डार्लिंग, थानेदार साहब असी को गंदे लोग नहीं, ऐस रेनकोट ने सानू गंदियां करा दिता। क्यों पिंकी डार्लिंग? की कहंदे गंदे खानदान दा? ए चुप रहो तुम दोनों और बंद करो अपनी ये फजूल बकवास। सर, रेनकोट का इन दोनों के कमरे से मिलना कोई इत्तफाक नहीं है, कातिल ये दोनों हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस खुसरे को ऐसा रगड़ा लगाऊंगा कि 5 मिनट में सब कुछ उगल देगा। संतरी बादशाह, आप चाहे मुझे लम्मा डालें या कोई रगड़ा लगाएं, मैं रगड़े से कभी नहीं घबराई। मैंने तो हमेशा रगड़े को एंजॉय किया है। क्यों होने वाला साहब? पर मैनू तो तेरे इस रगड़े नाल फर्क पैंदा है ना। ओ शट अप। मौलादार, तुम हर वक्त थर्ड डिग्री और रगड़े की बात ही क्यों करते हो? माय डैड, हम स्पेशल ब्रांच से हैं और हमें यहां ठीक आदमी पकड़ने के लिए भेजा गया है। और रही बात इस हेजड़े की, तो ये तो पहले से मरा हुआ है, किसी को क्या मारेगा। और ये रेनकोट भी पहले कहीं और देखा गया है, यहां नहीं।
कातिल हमसे 5 मिनट आगे रहा है और खेल खेलता रहा है। अब हमें भी 2-4 मिनट आगे रहना पड़ेगा कातिल से। चौधरी अन्नीवा साहब, ये जो संतरी बादशाह रगड़े वाली बात करके गया है तो फिर तुम्हारा की ख्याल है? सर, मैं आपको ढूंढता हूँ, यहाँ सिर्फ सच बोलने के लिए आया हूँ। कैसा सच? सर, उस रात छत में मैं मैडम तानिश मिलने गया था। लेकिन तुम्हारी मशूका तो कुछ और कह रही है कि उस रात तुम इससे मिलने गए थे। क्या झूठ बोलने की तो कसम खा ली है तुम लोगों ने। सबके सब, सबके सब मरेंगे इस होटल में। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम आकर कुछ और ही बोल दोगे। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे फांसी भी लग रही हो, मुझे बचाने मत आना, समझ गई तुम? कहा ना, गलती हो गई, माफ कर। परेशान हो नहीं है, और मैं नवा ट्यूबवेल खरीद लिया है, वो जो छोटा ना नुक्स है वो जरा पानी घट चुकता है, पानी चका के नवी बोटी पवा के पानी जिसले चुकया जाना तो मैं तेरे को ही आना, मैं कितने जाना है? तू मेरी जिंद जान है, तू मेरी जिंदगी है, मैं तेरे पे कर पुत्रा खाना खराबा बगैरता गंदे खानदान दिया। इतनी खूबसूरत दुशीजा के होते हुए तुम्हें जिरत कैसे हुई अपनी बीवी से फोन पे बात करने की? मैं तेरे दंद कट देंगी। मेरी गल सुन, देखी लोहे दी औरतें, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर सौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरा मेरा गुजारा नहीं, मैनू तलाक दे दे, मैनू तलाक दे, मैनू तलाक दे, मैनू तलाक दे। पहलू तेरी तलाक कानूनी तौर पे ढाडी से फूक दईए ते उन्हों असी तलाक आने गंदिए औरते परे जाके मर खाना उड़ा दिए तूने। बहुत जलील आदमी है चौधरी, सारे का सारा तू मुझे शीदा पे फेंक गया है, जज्बात में आके छोड़ने वाली जगह तक भूल गया है। परवरदिगार, इसने मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन इसका खाना खराब हो, इसका भी दिल टूटे और ये कहता फिरे ओ जाना जे तुरिया थुक जेड़ा रहंदा सी तुम्हें भी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। संतरी बादशाह ये औरतों के लिए ही बना है और हमें औरत बनने के लिए ये पहनना पड़ता है, ताकि मर्द हमें आखिरी लम्हों तक भी 2 नंबर नहीं, वो हमें 1 नंबर समझे। 1 नंबर आज मेरे साथ दूसरा थानेदार नहीं जो तुम्हें बचाएगा, आज मैं हूँ और मेरा ये डंडा है। ये थानेदारा, तू ते तेरा डंडा आज मेरे को बच नहीं सकते, मेरी जवानी नू खुदेड़ के रख दे। मैं तेरे वर्गा जवान लगती था, लम्मा बह जावे लता उसे कर। दम पे गया तेरे नाल थोड़ी देर दा, वे मैं जिथों जिथों कहनी आ तू क्यों नहीं छेड़दा। दम पे गया तेरे नाल थोड़ी देर दा, वे मैं जिथों जिथों कहनी आ तू क्यों नहीं छेड़दा। तू वेख हूं चीके हूं मेरे कुआरी, जिथों कहनी आ तू क्यों नहीं छेड़दा, जिथों कहनी आ तू क्यों नहीं छेड़दा। और थानेदार नु बुलाओ, ए किथे वे, मेरे दिमाग नु चढ़ गया सारा कुछ। क्या बात है, क्यों शोर में जा रहे हो? मैं अज थानेदार साहब सुहाग रात मनानी जे, भावे सुबह नु मनु फाए ला देना। इतना उछल क्यों रहे हो पहलवान जी? तुम्हें सुहाग रात मनाने से किसने मना किया? और जनाब इतने सारे जागते रहते ने, सौंदा कोई नहीं, इस अमरीका ने मेरी जान छड़नी ही नहीं। सर जी, इतने इतनी परेशानी है, साढ़े ते सारे जज्बात सौंगे ने। और तेरे सौंगे ने, पर मेरे ते जागन डे ने, इस अमरीका ने मेरे जज्बात जगा दिते ने। बात सुने, ये जज्बात ही है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा बलवान जी, आपको किसने रोका है? आप अपने कमरे में जाए। और जियो फुला वालिया,
अज कालू जट सुहाग रात मनाएगा ते अमरीका वेखेगा। अज ते मैं चुक देंगा फटे। यार वैसे मौलादाज इस सुहागरात का एहसास भी कितना खूबसूरत होता है। यह एहसास सिर्फ आपको हो सकता है सर, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। चलो चलो तफ्तीश हो रही है, चलो। क्यों बुलवाया तुमने मुझे अपने कमरे में? पहले बैठे आप, फिर बताती हूँ। जानू आपने तो हमसे खामखा ही मुंह मोड़ रखा है। हम इतने भी बुरे नहीं, क्या आप हमारे हाथ से कुछ खा पी भी नहीं सकते? हमारा दिल रखने के लिए ही पी लें प्लीज। तुम्हारा दिल रखने के लिए पी रहा हूँ। ये क्या पिला दिया तुमने मुझे? तुमने जो पी है ना जानू, ये वो बला है जिसे पीकर फकीर बादशाह हो जाता है और कुकर भी बांध देने की बजाय बड़क लगाता है। तेरी मांगी आंख, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरी व्याग्रा की ऐसी की तैसी। एक चीज एक जगह पर नजर आती है, फिर वो चीज दूसरी जगह से मिलती है। मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग बंद हो जाएगा। ओ जान, अगर ज्यादा सोचोगे तो और परेशान हो जाओगे। तुम ठीक कहती हो, मैं जरा ताजा हवा खाने के लिए छत पर जा रहा हूं।
खेल खत्म हुआ मिसेस तानिया अरसलान, नाउ द गेम इज ओवर। तुम तो मेरी बीवी हो, हम दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई है और तुम मुझे ही मार देना चाहती हो। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आखिर क्यों? मैं बताता हूँ मिस्टर अरसलान, तुम्हारी बीवी जानती थी कि तुम्हें उस पर शक हो चुका। एक बात और, तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी की डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे अलावा तुम्हारी बीवी के पास थी, इसलिए लाश की जगह 5 मिनट में तब्दील हो गई। मगर मुझे यह समझ नहीं आ रही कि इसने मैनेजर को क्यों मारा। इसलिए कि मैंने इन दोनों मियां बीवी से कहा था कि सुबह हमारा मौका का गवाह कातिल की शिनाख्त करेगा। पहचाने जाने के डर से इस औरत ने उसे कत्ल कर दिया। मैंने पता फेंका था, लेकिन इस सारे खेल में मैनेजर को अपनी जान से जाना पड़ा। मैनेजर के कत्ल के बाद मुझे यकीन हो गया कि कातिल मियां बीवी में से कोई एक है, लेकिन मैं ठीक आदमी को पकड़ना चाहता था। इस औरत ने हमारी तफ्तीश भटकाने के लिए उस लड़के पर हमला भी किया, लेकिन वो बच गया, मरा नहीं। ये औरत उन चारों लड़कों को कत्ल में इस्तेमाल करना चाहती होगी, मगर वो चारों इसे बेवकूफ लगे होंगे, इसलिए उन्हें छत पर बुलवाकर वापस भेज दिया। लेकिन सवाल यह है, होटल में सबसे पहले मरने वाला कौन था? मैं बताती हूं। तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना? कौन हो तुम? आई एम इंस्पेक्टर बीना फ्रॉम हेडक्वार्टर। वो मरने वाला शख्स इस औरत का आशिक था, जिससे ये बहुत प्यार करती थी। मिस्टर अरसलान पर कातलाना हमले हुए और इसने पुलिस से मदद मांग ली और इनके लिए मेरी ड्यूटी लगी। ये औरत और वो आदमी एक यतीम खाने में पलकर जवान हुए और वहीं उनमें मोहब्बत हुई। ये है इनकी फाइल। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है, इसलिए उस रात की कहानी खुद ही बता दो तो बेहतर होगा। उसका नाम मुराद था और उस रात। 3 साल हो गए तुम्हारी उससे शादी हुई, 3 साल मैंने कांटों पे गुजारे हैं। मैं उसे मार देना चाहता हूं, लेकिन वो हर बार वो बच जाता है। तुमने तो मुझे कहा था मैं पैसे लेकर वापस लौट आऊंगी, आज पैसे मिले चाहे ना मिले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अभी मेरे हाथ कुछ नहीं आया, तुम्हें सब्र करना होगा। नफरत है मुझे, नफरत है भूख और गुर्बत से, मुझसे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी जाएगी, समझ गए? अब तुम जाओ यहां से, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, मुझे करना होगा ठीक। मैं सारी सच्चाई जाके नीचे बता दूंगा, उस शख्स को सब कुछ बता दूंगा कि तुम मुझे प्यार करती हो, उसकी दौलत ने तुम्हें उसके साथ जोड़ रखा है। जा रहा हूं मैं। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, मगर तुम जहां जा रहे हो वहां अकेले जाना पड़ता है। क्या? मुझे माफ कर देना, तुम्हारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो उस आदमी को मुझे तलाक देने पे मजबूर कर देंगे, इसलिए बाय। तुमने सिर्फ दौलत के लिए मुझसे शादी की? सिर्फ एक बार मुझसे कहकर तो देखती, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों पर निछावर कर देता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चल बीबी चल, आगे लग, तेरा खेल अब खत्म हो गया। ये क्या कर रही हो तुम? देखो गन हटा लो, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी हर गलती को माफ करके तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ।
इंसान बुलंदी से गिरकर तो जिंदा रह सकता है, मगर नजरों से गिरकर जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। मुझे माफ कर देना। तानिया, तानिया। हमारे लिए क्या हुक्म है सर जी? कत्ल पर कत्ल हो रहे हैं, हमारे तो होश गुम हो गए सर जी। अब और कत्ल नहीं होंगे, इसलिए तुम लोग जा सकते हैं। हे मिस व्याग्रा, इधर आओ, इधर आओ। जरा सोचकर बताओ, क्या तुम एक घर और एक मर्द के साथ जिंदगी गुजारना चाहोगी? हाय हाय।